तो सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो मेजर टिप को हमें इस तरह से पीछे की साइड ही रखना है, ओके। और जैसे हमने कल सीखा कि इसका हम इस तरह से सेंटर लेंगे आर्महोल का, और ऊपर की साइड हमें मेजर टिप को लेके जाना है, और हमें देखना है कि वहाँ पे शोल्डर हमारा कितने इंच आ रहा है, ओके। तो अभी देखो कि हमारा शोल्डर का मेजरमेंट 15.5 इंच है। देखो इस मतलब जो कुर्ती पहने हुई है उसका शोल्डर नीचे जा रहा है, पर हमें वो शोल्डर नहीं देखना है, आपको इस तरह से इरेग्युलर ऐसे ही देखना है। तो शोल्डर हमारा 15.5 इंच है। उसके बाद में हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह से चेस्ट का हमें मिडल पार्ट मतलब सेंटर में ही लेना है। तो चेस्ट का मेजरमेंट हमारा 41 इंच है। उसके बाद में हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, पर वो मेजरमेंट लेने के लिए हमारे पास ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट होना जरूरी है, ओके। तो मेजर टेप को हम यहाँ पे सेंटर में रखेंगे, शोल्डर के सेंटर पे, ओके। अभी देखो कि मैंने शोल्डर के सेंटर में मेजर टेप को रखा है। फिर हमारा जो चेस्ट का पार्ट है मतलब चेस्ट मिडल चेस्ट है, फिर लो चेस्ट में हम इस तरह से हमें अंदर की साइड मेजर टेप लेके जाएंगे। हम जितना भी अंदर जा सके उतना हम जा सकते, पर मेजरमेंट तो ऐसे ही लेना है, ओके। फिर आपको देखना है कि आपको ब्लाउज की लेंथ कहाँ तक चाहिए। तो अभी देखो कि मैं यहाँ पे 16.5 इंच लेंथ रखूंगी। अभी जहाँ पे हमने लेंथ का मेजरमेंट लिया है, हम वहाँ पे ही वेस्ट का राउंड का मेजरमेंट लेंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी है, 35 इंच। शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो वापिस मेजर टेप को हम शोल्डर के सेंटर पे रखेंगे, ओके। मेजर टेप को स्ट्रेट ही रखना है। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 11 इंच है। उसके बाद में एपेक्स टू एपेक्स, तो अभी देखो हम कितना लेंगे, 8.5 इंच, ओके। इसके बाद में हम नेक डीप का मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप हमारा है 6.5 इंच। इसके बाद में हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना होगा, 3 इंच। तो नेक पीछे का जो बेल्ट है वो हम 4 इंच रखेंगे, ओके। अभी इसके बाद में लास्ट का मेजरमेंट हमारा है स्लीव की लेंथ। आपको मेजर टेप को कहाँ पे रखना है, जहाँ पे हमारा शोल्डर का एंड हुआ है। तो अभी देखो कि मैं स्लीव की लेंथ रखूंगी 5.5 इंच, और यहाँ पे हम स्लीव का राउंड देखेंगे। तो देखो 14 इंच सही आ रहा है। तो यही मेजरमेंट के ऊपर से अभी हम ड्रॉइंग करना स्टार्ट करेंगे, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारी जितनी ब्लाउज की लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करना है, ओके। 16.5 इंच हमारी ब्लाउज की लेंथ है, तो यहाँ पे हम +1 कर रहे हैं, यानी 17.5 इंच। उसके बाद ये दोनों मार्किंग को मिला के हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी हम सबसे पहले शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा जितना शोल्डर का मार्किंग है हम उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 7.75 पे। तो जहाँ पे भी हमने शोल्डर का मार्किंग किया है वहां से हमें नीचे जाना है 1 इंच। तो 1 इंच सबके लिए फिक्स है, ओके। और यहाँ पे अनफोल्ड की साइड हम नेक का मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। फिर 2.5 इंच और जो 1 इंच डाउन गए हैं, ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। पर जब हमारा दोनों नेक डीप है तो हमें आर्म होल का मार्किंग के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6.5 इंच लेना है। तो जहाँ पे हम 1 इंच नीचे डाउन गए हैं, तो वहाँ पे ही हमें मेजर टेप को रखना है। यहाँ से हम 7.25 पे एक मार्क करेंगे। अभी जो मुझे यहाँ पे मार्किंग मिला है, तो यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो अभी हमें लाइन मिलेंगी वो हमारी चेस्ट लाइन है। तो यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो नीचे का पार्ट हमारा रेडी है। चेस्ट में हमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना है, वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। और वो भी कब करना है, जब चेस्ट 35 से ज़्यादा हो तब, यानी 36 इंच या उससे प्लस है तब। देन अभी हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो शोल्डर का मेजरमेंट है 15.5 इंच, हम उसमें से 3 इंच माइनस करेंगे। आपका जो फुल शोल्डर है आपको उसमें से माइनस करना है। तो 15.5 इंच मेरा फुल शोल्डर रेडी है, इसमें से मैं 3 इंच माइनस करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 12.5 इंच। अब मैं उसका हाफ करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 6.25। तो सेम यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना ही मार्किंग हम नीचे करेंगे। देन
अब ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा रेडी है, अभी हम इसमें आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए ये हमारे पीछे का बैक साइड का पार्ट, पर उसमें भी हमें पहले फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा तो हमें बैक का आर्म होल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले ए वाली लाइन का सेंटर लेंगे, तो जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर लेना है इस तरह से। ओके, आपको देखना नहीं है वो कितने इंच है, आपको डायरेक्ट ऐसे सेंटर ले ही लेना है। तो यहाँ पे हमें सेंटर पे एक मार्क मिलेगा। ओके, अभी देखो कि आपकी चेस 32-39 है तो हमने 0.75 लेना है, आपकी चेस 40-49 है तो 1 इंच लेना है। तो हमारी चेस किस में आ रही है, देखो इस बार इसमें आई 41 है ना, तो हम ए वाला मार्किंग कितने इंच पे करेंगे, यहाँ से क्रॉस में 1 इंच। तो यहाँ पे मैं क्रॉस में मार्क करूंगी 1 इंच, देन यहाँ से क्रॉस में हमें मार्क करना है 1 इंच पे। और यहाँ पे सेंटर वाला जो मार्क है ना, तो वहां से 0.25 अंदर जाएंगे और 0.25 हम बाहर जाएंगे। 0.25 अंदर वाला जो मार्किंग है वो फ्रंट के लिए है, 0.25 बाहर वाला मार्किंग बैक के लिए है। अभी हम पहले शोल्डर से जो 0.25 अंदर वाला मार्किंग है इसको हम मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में यहाँ से हमें जो 1 इंच वाला हमने मार्किंग किया है उसके साथ हम ज्वाइंट करेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो चेस्ट की हमारी मेन लाइन है हम उसके साथ ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया। और बैक आर्म होल के लिए जो सेंटर से हम 0.25 बाहर गए हैं वो वाले मार्किंग को शोल्डर के साथ मिलाना है। यहाँ से हम चेस्ट का जो मेन मार्किंग है हम उसके साथ मिलाएंगे और बैक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये हमारा बैक का शेप रेडी है, बैक आर्म होल। तो हम शोल्डर का मार्किंग कर सकते हैं। तो उसके लिए जब डीप नेक है तो हम शोल्डर को ऐसे क्रॉस नहीं ले सकते हैं, तो तब हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रेट लाइन जो हमने ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी और हमने जो माइनस किया हुआ शोल्डर है, देखो यहाँ पे मैं पेन से जो मार्क कर रही हूँ, तो आपको देखना है कि ये बीच में कितना गैप है। तो ये गैप जितना हो ना उतना ही आपको यहाँ पे, हम पहले देखेंगे कितना गैप है, 0.75। तो यहाँ पे भी मैं कितना लूंगी, 0.75। अब देखो कि आपका ए वाला गैप हाफ इंच आ रहा है तो आपको यहाँ पे कितना लेना है, हाफ इंच। ओके, तो अभी देखो कि बैक वाला पार्ट हमें इतना ही ड्रॉ करना है, बाकी का हम बाद में करेंगे। ओके, अभी देखो कि दोनों नेक डीप होता है तो हम यहाँ पे कट टू कट रखेंगे, मतलब ये चेस्ट वाली लाइन से बढ़ाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा आर्म होल बड़ा ही है। तो ए वाली लाइन से हम कट टू कट मिलाएंगे, साइड वाली जो लाइन का मार्जिन है उसको हमें मिलाना है। यहाँ पे भी सेम, साइड वाली जो लाइन का मार्जिन है, मतलब ये देखो दोनों हमने मिला दिया। और यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना है, पर इसमें जब हम जहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे साइड फिटिंग, तब तो सिलाई का माइनस हो जाएगा और दोनों साइड तो मुझे कुछ सिलाई का ऐड करना नहीं है, तो इसको हम पहले ही कट कर देंगे। आप बाद में भी कर सकते हो, सिलाई यहाँ पे ऐड की है तो सिलाई को माइनस करने के बाद रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे वाली लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में ऊपर देखो थोड़ा सा क्रॉस आ रहा है, तो जितना भी क्रॉस आ रहा है उतना हम क्रॉस रखेंगे। अब ए वाले पार्ट को हटा देंगे, उसके बाद में यहाँ से देखो ए वाली लाइन ऐसे जा रही है बैक की, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम बैक आर्म होल को यहाँ पे मिला देंगे। यानी देखो यहाँ पे कितना है, हाफ इंच में एक लाइन कम, तो यानी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, क्योंकि यहाँ पे जितना गैप है उससे हम यहाँ पे 0.25 ज्यादा माइनस करते हैं। अब ए वाली लाइन को डायरेक्ट यहाँ पे मिला दो, इसमें हमारी फाइनल लाइन कौन सी है, ए वाली। तो यहाँ से हम एक बार लेंथ चेक करेंगे, लेंथ हमारी 2 इंच शॉर्ट होनी चाहिए फ्रंट वाली लेंथ से। ओके, अभी देखो कि हमारी लेंथ कितनी है, 16 इंच हमारी रेडी है, दोनों साइड स्टिच में जाएगा तो मुझे कितना रेडी मिलेगा, 15 इंच। और यहाँ पे हमारी फ्रंट की ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 16.5 इंच, यानी हमारी लेंथ कितनी कम हुई है, 1.5 इंच। और देखो कि आप इसको 2 इंच तक माइनस कर सकते हो, अगर वो करना है तो कैसे हम कर सकते, देखो ए वाली लाइन को हम यहाँ पे ही रखेंगे, हमारी वैसे लेंथ कितनी रेडी होनी चाहिए, 15.5 इंच, तो हमें रेडी 14.5 इंच मिलेगी ना। तो आपको यहाँ पे एक मार्क कर देना है, फिर ए वाली लाइन को आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे क्रॉस मिला सकते हो, ऐसे क्रॉस,
फिर ए वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट माइनस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि साइड वाला पार्ट तो मेरा मिल गया है उसके हिसाब से, ब्लाउज के हिसाब से, पर हमने माइनस यहाँ कहाँ से किया है, पीछे से, क्योंकि पीछे का पार्ट हमारा स्ट्रेट होता है, तो यह नेक में भी हमारी कोई क्रीज नहीं आएगी और पीछे से ब्लाउज हमारा फोल्ड भी नहीं होगा और शोल्डर वाला पार्ट हमारा आगे की साइड भी नहीं जाएगा। वैसे देखो कि आपने साइड में 1 इंच का टक्स नहीं लिया है, समझो कि 1/2 इंच का ही टक्स लिया है, जैसे हमने फ्रंट में लिया था वो, तो जैसे आप 1/2 इंच का टक्स लोगे ना तो आपका ये वाला गैप इतना ज़्यादा कम होगा ही नहीं, तो आपको इसी तरह से कम करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट, हमारा ये कितना रेडी था पीछे का बेल्ट 4 इंच, तो यहाँ पे मैं मार्किंग कितने इंच पे करूँगी, 5 इंच पे। ओके, क्योंकि दोनों साइड सिलाई का एड करना है। फिर यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना गैप है, 2.25, तो उससे हम यहाँ पे 1/2 इंच भी प्लस कर सकते हैं और 0.75 भी प्लस कर सकते हैं, 1 इंच तक भी हम प्लस कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे 0.75 प्लस कर रही हूँ, यानी तो ही हमारा नीचे से नेक ब्रॉड होगा ना, तो ए वाली लाइन को हम डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मिलाएंगे और यहाँ से हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमारा बैक का पार्ट रेडी है, तो इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे हमें क्लिप नहीं रखनी है, तो मैं इसको ओपन करके नहीं कट करूंगी, डायरेक्ट हम ऐसे ही कट कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखो मैंने ऐसे पिन लगा दी है, स्लीव को मैं पल्टी करने वाली हूँ, तो अभी नीचे की साइड से हम स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच पे। अभी नीचे का जो भी फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी। देखो सेंटर पे हमें कट लगाना होगा, उसके बाद हम धार स्टिच लगाएंगे अस्तर की साइड। ओके, तो अभी देखो मैं इसको पहले प्रेस लगाऊंगी, मेन फैब्रिक है वो आगे की साइड ही रहना चाहिए, धार स्टिच आगे नहीं दिखनी चाहिए, यानी अस्तर भी आगे नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे पिंस लगा के ऊपर की साइड स्टिच लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें 0.25 की स्टिच लगानी है। ओके, अभी ऊपर का फैब्रिक जो भी है उसको हम एक्स्ट्रा कट करके रेडी रखेंगे, उसके बाद में जो बैक वाला पार्ट है तो उसको हमने प्रेस और पिंस लगा दी है, तो इसमें भी हम स्टिच लगा के देखेंगे। ओके, ऐसे देखो कि मैंने बैक पार्ट पूरा ऐसे रेडी कर दिया है, जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो कट हो गया है, नेक भी कवर नहीं, नीचे की साइड भी कवर नहीं है, नीचे हम एक्स्ट्रा पट्टी से कवर करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा कैनवास से कवर करने वाले हैं। ओके, तो इसको हम लास्ट में रेडी करेंगे, तब तक हम पहले फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर देते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे फोल्ड करेंगे, फिर हमने टक्स के लिए जितना एक्स्ट्रा रखा है तो उतनी हम स्टिच लगा देंगे। ओके, यहाँ तक देखो मैंने स्टिच लगा दी है टक्स के ऊपर, मतलब जितना हमने टक्स का एक्स्ट्रा रखा है डन। तो इस तरह से देखो हमारी कटोरी का शेप बना है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ए वाला हमारा पार्ट है तो उसको स्ट्रेट मिलाना है यहाँ पे। ओके, स्ट्रेट लाइन के साथ आपको स्ट्रेट मिलाना है और यहाँ पे पॉइंट जो टक्स का पॉइंट है, तो आपको इस तरह से अपने आप मिल ही जाएगी ये लाइन, तो यहाँ पे आपको एक मार्क करना है, तो ये हमारी एपेक्स लाइन होगी, जो हमें ऐसे सीधे स्टिच लेना है ना, तो वो इस तरह से निकालना है डन। फिर दूसरी साइड वाला मार्किंग, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हमें इसका सेंटर लेना है, फिर सेंटर से हमें नीचे जाना है 1 इंच, तो आपकी कटोरी कोई भी साइज की हो आपको सेंटर से नीचे 1 इंच जाना है, तो आपको वो शेप परफेक्ट मिलेगा डन। तो यहाँ से देखो नीचे हम 1 इंच जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे लाइन मिला, और ए वाला लाइन मैंने जैसे बोला कि ए पॉइंट और ए वाला जो फैब्रिक है साइड का, ये दोनों को स्ट्रेट मिलाना है, तो अपने आप ए वाला गैप आपको मिल जाएगा। ए जो दोनों मार्किंग किया है ना, तो वो दूसरी कटोरी में भी साथ साथ में कर देना है। यहाँ पे देखो हमने इंटरलॉक कर दिया है, अभी हम ए वाली स्टिच लगाएंगे, ए पॉइंट को मिलाना है, यहाँ पे टक्स का जो पॉइंट है उसको मिलाएंगे, यहाँ से सिर्फ हमें एक लाइन जितना ही स्टिच में जाने देना है, तो इसके लिए हमने स्टिच का कोई एक्स्ट्रा नहीं रखा है। ओके, तो ऐसे हम स्टिच लगाएंगे एक एक, एक लाइन जितनी, और जहाँ पे भी हमारा पॉइंट आ रहा है ना,
वहां पे हमें थोड़ा सा राउंड ले लेना है, ओके। फिर सेंटर पे टर्न होने के बाद यहाँ पे जो दूसरा मार्किंग किया है वहां पे मिला देना है, और यहाँ पे भी हम एक लाइन जितनी ही स्टिच लगाएंगे, यहाँ पे हमने राउंड में स्टिच लगा दिया है, बाकी देखो कि हमने एक एक लाइन जितनी ही स्टिच ली है। अब देखो हम इसको आगे करके देखेंगे, जो पॉइंट है वो हमारा चला गया, ओके। अभी देखो कि यहाँ पे प्रेस लगाने के लिए पहले टक्स को सिर्फ नीचे का जो टक्स है ना उसमें ही प्रेस लगानी है, ओके। कटोरी को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे प्रेस लगाएंगे ताकि और कहीं पे भी इसकी क्रीज ना आए। फिर इसके बाद में जो हमने साइड में स्टिच लगाई है ना सेंटर पे, तो सिर्फ कोई एक साइड में ऐसे प्रेस लगा देंगे, फिर दूसरी साइड करके वहाँ पे प्रेस लगा देंगे। मार्जिन आप ऊपर या नीचे रखना चाहो तो रख सकते हो, अभी मैंने मार्जिन ऊपर की साइड रखा है। देखो यहाँ पे हमारी प्रेस लग गई है और हमने कहीं पे भी ऐसी कोई एक्स्ट्रा क्रीज नहीं आई है। इसी तरह से सेम हम दूसरी कटोरी में भी प्रेस लगा देंगे। साइड फिटिंग के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा नापने की जरूरत नहीं, जितना हमने ब्लाउज के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग मतलब गेप रखा है उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे और स्टिच लगा देंगे, क्योंकि जब हमने कटिंग किया था तब हमने परफेक्ट नाप लिया ही है। देन अब दोनों पार्ट को मिला के हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो एक साइड का ब्लाउज पूरा रेडी है, अभी इसी तरह से सेम दूसरी साइड का शोल्डर जॉइंट और साइड फिटिंग कर देंगे, ओके। यहाँ पे देखो ये लेवल एकदम बराबर मिला है और यहाँ पे भी ये आगे पीछे नहीं हुआ है पार्ट, ओके। अभी देखो यहाँ पे भी सेम, अभी जैसे एक साइड किया ना वैसे ही सेम हम दूसरी साइड भी फिटिंग कर देंगे, ओके। पहले शोल्डर जॉइंट, ओके। इसके बाद में शोल्डर को कवर कर देना है, यहाँ पे भी हम स्टिच लगा देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे स्लीव जॉइंट करेंगे। अभी दूसरी बार हमें स्लीव चेक करने की जरूरत नहीं है, एक साइड आ गई है तो दूसरी साइड आ ही जाएगी। अब यहाँ से हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे, ओके। अभी देखो दूसरी साइड का फिटिंग भी हमारा रेडी है, तो यहाँ पे भी हम वन एंड हाफ इंच पे मार्क करेंगे और वहां पे हम स्टिच लगा देंगे। ओके, अभी देखो पूरा ब्लाउज रेडी है, आपको स्टिच लगानी है तो 0.25 बाहर हम स्टिच लगा सकते हैं, ओके। पर अभी हम साइड में प्रेस लगा देंगे और हम आपको ट्रायल करके दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। तो अभी हम पहले फाइनल लुक देखेंगे ब्लाउज का, ओके। बैक देखो कि हमने 2 इंच शॉर्ट किया है, फिर भी ब्लाउज की बैक की लेंथ शॉर्ट नहीं हुई है, नेक भी हमारा बराबर आ गया है, 4 इंच का जो हमें बेल्ट चाहिए वो बराबर है। और देखो कि इसमें वैसे भी कोई स्लीव में क्रीज नहीं है, देखो यहाँ पे भी कोई क्रीज नहीं और ए लेंथ इतनी शॉर्ट नहीं हुई है। पर देखो फ्रंट वाला ब्लाउज है वो यहाँ से फोल्ड होगा, उसका रीजन कि देखो यहाँ से जब इस तरह से हमारा शेप है बॉडी का, मतलब जब ए वाला पार्ट ज्यादा है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ब्लाउज यहाँ से फोल्ड होता है, पीछे का स्ट्रेट है तो वो फोल्ड नहीं होगा। हमें जो शेप चाहिए कटोरी का वो शेप एकदम प्रॉपर बैठ गया है, देन और यहाँ पे भी ऐसी कोई आर्म होल में जो ज्यादा क्रीज आती है कटोरी वाले ब्लाउज में वो नहीं आई है। देन बाकी देखो स्लीव भी एकदम बराबर आ गई है, यहाँ आगे पीछे ऐसी कोई क्रीज नहीं है।